बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में कांग्रेस के बड़े नेता और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना भी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना से बातचीत की हमारी संवाददाता अमृतांशी ने। मेरे साथ फिलहाल कांग्रेस से रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना मौजूद हैं और वो बीजेपी पहुंच चुके हैं। दीपक सक्सेना क्योंकि अब जो है वो बीजेपी के हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, क्योंकि जो रिश्ता उनका कमलनाथ के साथ रहा है, कहा जाता है कि काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। दीपक जी, क्या वजह रही, बस इतना पूछूंगी, ये नहीं पूछूंगी क्या हुआ, लेकिन क्या वजह रही? मैडम, मैंने ही पहले आपसे कहा कि व्यवस्था इस तरह की हो गई कि जो काम हम लोग चार लोग करते थे 20 साल, वो अब 20 लोग करने लगे हैं। और 20 लोगों करने का मतलब सीधा सीधा ये कि एक टीवी और 20 रिमोट, तो कौन से रिमोट से टीवी चैनल एक्सेप्ट करे, वो समस्या आ रही है। तो मैं उसमें फिट नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। आपका तो याराना मामला है और यारों में ऐसी लड़ाई होती है? याराना नहीं, कमलनाथ जी बहुत बड़े हैं और मेरे आदरणीय हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, तो उनके सम्मान का कमी का कोई सवाल नहीं। क्या वजह रही सर, फिर भी कोई पर्टिकुलर आपको कब ऐसा लगा कि अब जरूरत नहीं है? कि जो वहाँ पे चुगलखोरों की और अलग अलग मिसगाइड करने के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और जो लोगों को, आम लोगों को आज चुनाव में तो पूछ लेंगे, लेकिन बाद में चुनाव के बाद कोई आम जनता को महत्व नहीं मिलता। एक और सवाल ये भी है सर कि क्या मतलब इस तरह से देखा जाए कि कमलनाथ जी ने आपसे कोई बातचीत नहीं की, कोई बातचीत आप लोगों की हुई नहीं? नहीं, कमलनाथ जी नहीं चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं, मैं भी नहीं चाहता था कभी कमलनाथ जी को छोड़ूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि ये नौबत आई। क्या बेटे के भविष्य को लेकर भी कोई चिंता है? जिस कारण भविष्य की चिंता नहीं, कमलनाथ जी कृपा से पार्ली की एजेंसी ने हमें दिलाई थी, मेरी खेती छिंदवाड़ा जिले में सबसे अच्छी चलती है और फैक्ट्री मेरी बहुत अच्छी चलती है। रा सवाल लोगों ने कहा कि कोई डर है व्यापार कर रहे हैं या कोई GST का या कोई किसी तरह का, तो इस तरह के कोई हम पे ना आरोप है और कोई भी चेकिंग के लिए हम तैयार हैं। मैं ना कोई पद पाने के लिए या किसी डर से आ रहा हूँ, स्वेच्छा से मैं आया हूँ। बस एक आखिरी सवाल है, नाराजगी कमलनाथ से है, नकुलनाथ से है या फिर किसी और से? मैंने आपसे कहा कि मेरी कमलनाथ जी नकुलनाथ जी से व्यक्तिगत मतलब नहीं है, जो 20 रिमोट चल रहे हैं वो उसमें मेरे फिट नहीं हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना मौजूद थे और कहा है कि कुछ लोग ऐसे नीचे आ गए हैं जो कि चाह नहीं रहे हैं कि अब मैं वहाँ पर फिट बैठूं, और शायद यही वजह रही है कि दामन छोड़ दिया है कमलनाथ का और आ गए हैं बीजेपी में। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में ये अब शायद देखने को मिले, ये नुकसान शायद देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी दीपक सक्सेना यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी की रणनीति छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं जो पहले उन्होंने सोची थी वो काम करती हुई नजर आ रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।